हे गाइस, मैं हूं रवि और आज की इस वीडियो में मैं रिवील करने जा रहा हूं फ्री फायर के कुछ ऐसे खुफिया सेटिंग्स जो कि सिर्फ लेजेंड प्लेयर को ही पता होती है। और ये सारे सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपका गेम प्ले भी कुछ इस तरह से इम्प्रूव हो जाने वाला है और आपका भी हर एक बुलेट ओनली हेड पे कनेक्ट होगा। और ये सारे सेटिंग्स हर एक डिवाइस में वर्क करते हैं, चाहे आपका 1 GB रैम का डिवाइस हो चाहे 2 GB रैम का। और ये सेटिंग्स खुद राइस्टार भी यूज करते हैं जिनसे उनका रेड नंबर लगता है। और लास्ट वाले सेटिंग को तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि यह सेटिंग आपके गेम प्ले को 100 गुना तक इम्प्रूव कर देगा। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सेटिंग हमारा होने वाला है पॉइंटर स्पीड। काफी सारे बंदों को पता नहीं होगा पॉइंटर स्पीड क्या होता है, तो उनको मैं बता दूं, पॉइंटर स्पीड एक फोन का ऐसा सेटिंग होता है जो आपके फोन के सेंसिटिविटी को काफी हद तक बढ़ा देता है। इसको हम प्रूफ के साथ देखेंगे। हे गूगल, व्हाट इज द वर्क ऑफ पॉइंटर स्पीड ऑन मोबाइल फोन? तो गूगल बाबा के हिसाब से पॉइंटर स्पीड हमारे डिवाइस के सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। ये सेटिंग सभी के डिवाइस में होता है, चाहे वो लो डिवाइस हो चाहे हाई डिवाइस हो। इसको ऑन कैसे करना है? तो सबसे पहले आपके फोन को सेटिंग में चले जाना है। यहाँ राइट में आपको सर्च बार पे सर्च करना है पॉइंटर स्पीड। सर्च करते ही आपको ये ऑप्शन शो होगा पॉइंटर स्पीड करके, इस पर आपको टैप करना है। फिर यहाँ पे सभी का पॉइंटर स्पीड अभी मीडियम पे होगा, बीच में बिल्कुल। इसको हमें कितना रखना है, और मैं पर्सनली कितना रखता हूँ, तो मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं इसको फुल रखता हूँ क्योंकि मैं लाइक MP40 एक्सेट्रा यूज करता हूँ, तो मेरे को स्प्रे गन में हेडशॉट ज़्यादा लगते हैं फुल करने पे। एंड आप अपना अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे आप शॉर्ट गन अगर आप यूज़ करते हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको पूरा जीरो कर दो, क्योंकि शॉर्ट गन से जीरो करने पे वन टैप बहुत अच्छे लगते हैं। एंड अगर आप स्कार वगैरह यूज़ कर दो तो आप इसको फुल रख सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर सेटिंग पे। सो दूसरा नंबर सेटिंग हमारा होने वाला है टच एंड होल्ड डिले। यह सेटिंग ऑन करने के बाद आपके फ़ोन का टच सेंसिटिविटी बहुत हद तक इंक्रीज हो जाने वाला है। तो इसको ऑन कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। फिर यहाँ पे आपको सेम सर्च बार पे चले जाना है एंड आपको सर्च करना है टच। टच ही सर्च करते ही आपको ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे 3 नंबर पे टच एंड होल्ड डिले, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको टच एंड होल्ड डिले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। काफ़ी सारे बंदों को यहाँ पे मीडियम पे होगा बीच में, इसको आपको शॉर्ट पे क्लिक करके शॉर्ट पे कर लेना है टच एंड होल्ड डिले को। इससे होगा कि आपके फ़ोन पे जब आप टच करोगे तो वो सबसे फास्ट वर्क करेगा एंड आपका टच सेंसिटिविटी भी बहुत जल्दी वर्क करेगा। सो थर्ड नंबर सेटिंग हमारा होने वाला है DPI। तो सभी बंदों को पता ही होगा DPI क्या होता है, एंड जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूँ, DPI एक फ़ोन का ऐसा सेटिंग होता है जो आपकी फ़ोन के सेंसिटिविटी को बहुत हद तक इंक्रीज कर देता है, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा हेडशॉट लग। एंड इसको ऑन कैसे करना है? तो ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। फिर सबसे पहले DPI को ऑन करने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। तो डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बार पर सर्च करना है बिल्ड नंबर। यहाँ पर हम लोग बिल्ड नंबर सर्च करेंगे। फिर बिल्ड नंबर पर हमको 7 times टैप करना है, टैप 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 7 times हम लोग टैप करेंगे। तो यहाँ पर आपको फ़ोन का पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर फ़ोन का आपको पासवर्ड डाल देना है। फिर हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर आपको डेवलपर ऑप्शन अपने फ़ोन के सेटिंग में ढूंढना है। तो मैं अपने फ़ोन के सेटिंग में देखता हूँ, डेवलपर ऑप्शन मेरे सिस्टम में रहता है। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जगह पे डेवलपर ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को डेवलपर ऑप्शन दिख गया, तो इस पर हमको क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पर नीचे स्क्रोल करते जाना है। नीचे हम लोग स्क्रोल करेंगे, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा स्मॉलेस्ट विड्थ, यही इसी को DPI बोला जाता है। तो यहाँ पर मेरा स्मॉलेस्ट विड्थ 392 है जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट है, तो इसको आपको इंक्रीज करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको 400 जैसे आपको इसको 1000 कर दोगे तो आपको ज़्यादा हेडशॉट लगेगा, बल्कि आपका फ़ोन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो आपको अपने रैम के हिसाब से कितना DPI रखना है वो मैं आपको स्क्रीन पे चैट एक दे रहा हूँ, जो आपके फ़ोन के डिवाइस के रैम के हिसाब से आप DPI रख सकते हो। तो मैं जितना तो DPI रखता हूँ वो कि 500 के नीचे, क्योंकि मेरा डिवाइस 8 GB रैम का है, तो इसलिए मैं 500 रखता हूँ। एंड अगर आपका 4 GB या 6 GB है तो उसके हिसाब से मैं आपको स्क्रीन पे चैट दे रहा हूँ कि आप कितना DPI मैक्सिमम तक रख सकते हो। तो उतना आपको DPI रख लेना है, फिर आपको ओके कर देना। इससे आपका फ़ोन का सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा और आपका हेडशॉट भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगेगा। फोर्थ नंबर सेटिंग हमारा होने वाला है गेम सेटिंग। गेम में कुछ मैं ऐसे सेटिंग बताऊँगा जो कि सिर्फ प्रो प्लेयर्स ही जानते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाके आपको नेटवर्क पर चले जाना है एंड ये ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑप्शन ऑन रखना है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है एनिमी के आते ही आपका पिंग हाई हो जाता है, एनिमी आपको मार के चला जाता है। तो इस ऑप्शन को अगर आप ऑन रखते हो तो आपका इंटरनेट स्पीड हमेशा स्टेबल रहेगा। ये आपके नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन ये सेटिंग करता है एंड आपका पिंग बिल्कुल भी इससे हाई नहीं होने वाला है। इसको हमेशा आप ऑन रखोगे। एंड इसके ऊपर आपको एक सेटिंग दिखेगा वाइब्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड ऊपर वाला जो साउंड विजुलेशन वाइब्रेशन है इसको ऑन करके
यहाँ पे आपको फुट स्टेप वाला पहला ऑप्शन ऑन कर देना। इससे ये होगा कि गेम में आप कहीं पे रैंक कैंपिंग कर रहे हो या फिर कहीं पे बैठे हुए हैं, आपके आसपास अगर कोई एनिमी आता है तो उसके फुट स्टेप से आपका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा, जिससे आपको अलर्ट हो जाओगे कि आपके आसपास कोई बंदा आ गया है, जिससे आप अलर्ट होकर उस बंदे को मार सकते हो। और लास्ट नंबर सेटिंग हमारा होने वाला है सेंसिटिविटी। तो आखिर हम लोग अपना सेंसिटिविटी कितना रखें जिससे हमारा हर एक गोली हेड पे लगेगा। तो मैं कितना सेंसिटिविटी रखता हूँ, तो मैं अपना हर एक सेंसिटिविटी 100 रखता हूँ विदाउट रेड डॉट। रेड डॉट मेरा 50 पीएमएस रहता है क्योंकि मेरा हाई डिवाइस है। एंड अगर आपका लो डिवाइस है या आपका रैम कम है डिवाइस का, तो आप सबको 100 रख सकते हो। एंड मैं आपको एक बेस्ट सेंसिटिविटी का चार्ट स्क्रीन पे दे रहा हूँ आपके रैम के हिसाब से, कि आप अपने डिवाइस के रैम के हिसाब से आपका बेस्ट सेंसिटिविटी क्या होगा। तो उसमें से देख के आप अपना अपना सेंसिटिविटी रख लेना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सारे सेटिंग्स को करने के बाद आपको कुछ दिन तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइक एक हफ्ता, उसके बाद ही आप प्रो बन पाओगे। ये नहीं कि आप सेटिंग ऑन करने के बाद आप एकदम से प्रो बन जाओगे या आपके हेडशॉट लगने लगेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाजू वाला बेल आइकन को ऑल कर देना।